नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों वर्णमाला की बहुत ही शानदार जानदार ट्रिक्स। वर्णमाला को हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, ये समझते हैं। तो वर्णमाला में दोस्तों आपने नाम सुना होगा एक स्वर, और एक नाम सुना होगा क्या दोस्तों आपने, व्यंजन। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, अधिकतर प्रश्न आता है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर में दोस्तों एक याद रखना, स्वर चार प्रकार के होते हैं, जिसकी ट्रिक है एच डी एस पी। आपका कोई दोस्त है उसको हम क्या बोलते हैं, एच डी एस पी। तो एच का मतलब होता है दोस्तों ह्रस्व स्वर, डी का मतलब होता है दोस्तों दीर्घ स्वर, और एस का मतलब होता है दोस्तों संयुक्त स्वर, और पी का मतलब होता है दोस्तों क्या, प्लुत स्वर। ठीक है, वैसे ही हम व्यंजन में देखो, व्यंजन में सबसे अच्छा खाना बनाती है कौन, सासू मां, भले आपकी शादी नहीं हुई। तो एस का मतलब होता है दोस्तों स्पर्श व्यंजन, ए का मतलब होता है अंतस्थ व्यंजन, और यहां पर एस का मतलब होगा दोस्तों संयुक्त व्यंजन, और यू का मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका यहां पर ये उष्म व्यंजन। पर दोस्तों इसमें भी एक और ट्रिक होती है, आपने देखा होगा स्पर्श व्यंजन भी कितने प्रकार का होता है, पांच प्रकार का होता है। एक आपने गाड़ी सुनी होगी जिसका नाम है के टी एम, अपने दोस्त की के टी एम, उसको बोलेंगे के टी एम दो। तो के से हो जाएगा दोस्तों यहां पर कंठ, त से हो जाएगा यहां पर तालू, एम से हो जाएगा दोस्तों मूर्धा या मूर्धन्य, दी से हो जाएगा दंत, और ओ से होता है ओष्ट। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको ये हमारी ट्रिक कैसी लगी।